ईमित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं आपको ईमित्र वॉलेट को रिबिल करना सिखाने वाला हूं, वो भी उस सर्विस को यूज करके जो कि सबसे आसान अच्छी सर्विस है। और इस सर्विस को यूज करके जब भी आप ईमित्र वॉलेट को रिफिल करेंगे तो अतिरिक्त भुगतान भी यहां पे नहीं लगता। तो कहे तो एक बेस्ट सर्विस है जिसके माध्यम से आप ईमित्र वॉलेट को रिफिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि किस प्रकार से ये वॉलेट रिफिल किया जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमित्र पे लॉग इन हो चुका हूँ और वॉलेट में 137 रुपये और 93 पैसे पड़े हैं। अब इस वॉलेट को अगर रिफिल करना है, अतिरिक्त पैसे यहाँ पे डालने हैं, तो डायरेक्टली ऑप्शन है यहाँ पे फाइनेंस का, यहाँ पे क्लिक करके वॉलेट पे क्लिक करके उसके बाद रिफिल पे क्लिक करना है। उसके बाद जितना अमाउंट आप ईमित्र वॉलेट में डालना चाहते हैं तो कम से कम 500 रुपये तो डालने ही होते हैं, तो मैं यहाँ पे 500 रुपये ले लेता हूँ। अगर आप चाहें तो 500 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 500 से कम यहाँ पे अमाउंट नहीं ले सकते। उसके बाद अन्य ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग है, एग्रीड है, UPI, ये सभी ऑप्शन हैं, लेकिन ये सभी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे UPI के भी मिलेंगे, लेकिन बेस्ट है QR कोड पेमेंट। यहाँ पे फ़ोनपे का चयन करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे आप पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको UPI ID से भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा और QR कोड से भी मिलेगा। तो QR कोड से स्कैन करके भी कर सकते हैं और UPI ID डाल के भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ। अब मैं अपने मोबाइल के अंदर फ़ोनपे ओपन करके इस कोड को स्कैन किया और स्कैन करके मैं यहाँ पे जो भी फ़ोनपे के पिन है वो डालूंगा। और जैसे ही मैं पिन डाल के पेमेंट कर लूँगा यहाँ पे फ़ोनपे से तो या फिर गूगल पे से, तो यहाँ पे जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वापस इस प्रकार से मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। और रिडायरेक्ट होने के बाद वापस मैं ईमित्र पोर्टल पे पहुंच जाऊंगा। ईमित्र पोर्टल पे पहुंचने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे वॉलेट रिफिल हो चुका है। अब दोस्तों 137 रुपये पड़े थे वो बढ़ के अभी 637 रुपये और 93 पैसे हो गए हैं, यानी कि मैंने वॉलेट रिफिल किया है और सक्सेसफुली वॉलेट रिफिल हो गया है। तो ये तरीका था वॉलेट रिफिल करने का। तो आप समझ चुके होंगे कि वॉलेट को रिफिल किस प्रकार से किया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे भविष्य में ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।